फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। इस नए वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज कंट्रोल वॉल के बारे में, और जो कंट्रोल वॉल आपके सामने समय है वो है बटरफ्लाई कंट्रोल वॉल। तो दोस्तों, हमने जानते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में कई सारे कंट्रोल वॉल्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम ब्रॉड तरीके में बात करूँ तो थ्रॉटल टाइप होते हैं, ऑन ऑफ होते हैं। तो आज हम ऑन ऑफ टाइप के कैटेगरी की कंट्रोल वॉल के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें से सबसे बेसिक और सबसे कॉमन जो है वो है बटरफ्लाई वॉल। तो दोस्तों, आज हम इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, इसकी बॉडी में क्या क्या इक्विपमेंट है, इसे कैसे यूज़ करते हैं, इसके संग एक्चुएटर कैसा होता है, एक्चुएटर के बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें लिमिट स्विच होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हर बार एक तरीके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड बहुत ढेर सारे वीडियो मिलते रहेंगे, और बहुत सारे ढेर से वीडियो पड़े भी हैं, आप उन्हें जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट लगे वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको उसकी क्वारी को, उसके डाउट्स को क्लियर करेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक की वीडियो बनाना चाहते हैं, उसकी रिक्वेस्ट भी हमसे डाल सकते हैं और हम लोग उसे फ्यूचर पे जरूर देखेंगे और बनाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं हम एक्चुएटर की, माफ कीजिए, कंट्रोल वॉल की। तो इस ऑन ऑफ वॉल में होता क्या, बेसिकली ये क्वार्टर ओपनिंग होता है। ये आपको दिख रही होगी शीट, ये है इसकी बॉडी। अगर आप देखेंगे तो ये है वॉल की बॉडी होती है। ये वो चार बोल्ट हैं जिससे ये लाइन पे हैंग होता है, फिक्स हो जाता है। इसके बाहर जो है हम क्या कर सकते हैं, लेगिंग लगा सकते हैं, कोई भी शीट लगा सकते हैं ताकि इसे लीक ना हो पाए। इसके बाद इसके खुद की जो शीट होती है, ये है एसएस की शीट। यही प्रोसेस को आगे पीछे जाने में मदद करती है, अगर ये अलाउ करेगा तो जाएगा। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे ये शीट के अलावा एक लाइनर होता है जो लीकेज से प्रोटेक्ट करता है, इस शीट को लीकेज से प्रोटेक्ट करता है। अगर ये शीट प्रॉपरली हमारे लाइनर पर बैठ जाती है तो हमारा लीकेज नहीं होता है। तो ये तो हो गई वॉल की बॉडी की बात। तो ये बॉडी हमेशा एसएस की रहेगी, ये लाइनर हमेशा ईपीडीएम का मिल जाएगा आपको, ज़्यादातर ईपीडीएम का होता है। और ये डिपेंड करता है आपकी टेम्परेचर रेंज क्या है, टेम्परेचर रेंज की अकॉर्डिंग जो है हम ईपीडीएम लाइनर लेते हैं, क्योंकि कुछ ईपीडीएम लाइनर 120-130 डिग्री सेल्सियस के बाद नहीं चल पाते हैं, वो कट जाते हैं, तो उनके लिए अलग तरीके का लाइनर यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगर आप वॉल की बॉडी को देखेंगे तो वॉल को जो रोटेशनल मूवमेंट मिलता है वो इसके अंदर पड़ी स्टेम, इसके अंदर एक स्टेम होती है जो हमारे, ये है हमारा गियर बॉक्स। गियर बॉक्स में बेसिकली दोस्तों दो चीज़ें होती हैं। गियर बॉक्स से हमारी एक शाफ्ट आती है जो हमारे यहाँ पे पिन लगी हुई है, शीट से कनेक्ट हो जाती है। नीचे से आप देख पा रहे होंगे पिन जो रोटेट करने में, मोशन को रोटेट करने में 90 डिग्री हेल्प करती है। अभी गियर बॉक्स की भी एक अलग स्टोरी, गियर बॉक्स में क्या है, दो सिस्टम है दोस्तों। अगर आप इस गियर बॉक्स की ये जो चीज़ है, ये जो आपको रेक्टेंगुलर हाफ रेक्टेंगुलर पिन दिख रही है, अगर मैं इसे ऊपर कर दूंगा तो ये हो जाएगा मैनुअल में, मैनुअल हो जाएगा। इसका मतलब है मैं इस जो मैनुअल व्हील है इसके हिसाब से ऑन वॉल को ऑन ऑफ कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसे ऑटो में इसे नीचे कर दूंगा, ये ऑटो में हो जाएगा, तो ये जो रोटेट करेगा कंट्रोल वॉल, ये सिर्फ और सिर्फ एक्चुएटर की वजह से ही करेगा। अब आ जाते हैं ऊपर, तो यानी इतना हिस्सा, ये सिर्फ इतना हिस्सा जो है ये कंट्रोल वॉल है। इसके बाद ये चीज़ जो आ गई, ये एक्चुएटर का पार्ट आ गया। यहाँ तक आपका पूरा कंट्रोल वॉल था। कंट्रोल वॉल को ऑटो मैनुअल करने के लिए ये हमारे पास चीज़ होती है, इसकी हेल्प से हम ऑटो मैनुअल करते हैं। अगर मैनुअल कर देंगे तो रोटेटिंग व्हील से, यानी मैन जो हैंडल व्हील है उससे हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं एक्चुएटर पे। दोस्तों, ये सिलेंड्रिकल एक्चुएटर है, इस एक्चुएटर आपने देखा भी होगा। एक्चुएटर में दोस्तों होता क्या है, एक्चुएटर डबल एक्टिंग भी होते हैं और सिंगल एक्टिंग होते हैं। सिंगल एक्टिंग जो होता है वो स्प्रिंग लोडेड होता है। स्प्रिंग लोडेड का मतलब है कि यहाँ पे दो छेद होंगे, ये सोनलाइट का एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है। सिंगल एक्टिंग में एक टाइप एक ही बार एयर दी जाएगी और दूसरी टाइप स्प्रिंग होगी, जब सही एयर खत्म होगी स्प्रिंग उसे वापस अपनी पोजीशन पे ला देगी, वो होते हैं सिंगल एक्टिंग। डबल एक्टिंग में क्या होगा दोस्तों, ऑन करने के लिए भी हमको एयर चाहिए, ऑफ करने के लिए भी हमें एयर चाहिए। तो ये तो था एक्चुएटर, जो एक्चुएटर करता क्या है, किसी भी डिवाइस में एक्चुएटर का काम होता है किसी भी वॉल को रोटेट करवाना। तो यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल एक्चुएटर हमारे इस वॉल को रोटेट कराता है। जब हम एयर देते हैं, इसके अंदर होता है एक तरीके का प्लास्टिक का एक सर्कुलर बॉक्स जो पुश करता है, और जिसकी पुश करने की वजह से ये शाफ्ट घूमती है। शाफ्ट में गियर बॉक्स से ये हमारी डिस्क को, रोटेटिंग डिस्क को घुमाता है। इसके बाद यहाँ तो एक्चुएटर को आपने घुमा दिया, लेकिन एक्चुएटर ऑन है कि ऑफ है ये इंडिकेशन कौन देगा, ये हमारा लिमिट स्विच। जितने भी इस तरीके के बटरफ्लाई वॉल होते हैं उसमें ऊपर जो है लिमिट स्विच दिया जाता है, ताकि अगर हम ऑन ऑफ की बात करें, अगर थ्रॉटलिंग वाला काम करवाना है, जनरली थ्रॉटलिंग के लिए कंट्रोल वॉल यूज़ होता नहीं है बटरफ्लाई वाला। हाँ, कभी कभी स्टीम की एप्लीकेशन में हम थ्रॉटलिंग तरीके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरली ऑन ऑफ ही होते हैं। तो ऑन ऑफ का इंडिकेशन के लिए हमें चाहिए होता है ऊपर एक एक्चुएटर, सॉरी लिमिट स्विच। तो लिमिट स्विच इस समय
क्लोज पोजीशन पे इसमें लिमिट स्विच क्लोज पोजीशन दिखा रहा है। लिमिट स्विच के अंदर कॉन्टैक्ट होते हैं NO, NC और कॉमन, तो जैसी पोजीशन होगी अगर ये ऑन हो जाएगा तो वो NC NO पे बन जाएगा, तो वो हमें इंडिकेशन मिल जाता है फील्ड से DCS पे या PLC पे, ताकि हम पहचान सकें कि मेरा वॉल जो है फील्ड पे खुला है या नहीं खुला है। तो ये इतना सा चीज़ था जो बटरफ्लाई वॉल के कहानी पे डिपेंड करता था। अदरवाइज बटरफ्लाई वॉल बहुत ही सिंपल से होते हैं, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं होती। थ्रोटल वॉल जो होते हैं जैसे आपके, वो थोड़े से क्रिटिकल होते हैं, उसमें शीट होती है, उसकी लैगिंग लेनी पड़ती है, ये सिंपल से होते हैं। इसकी लाइनर की हमें सर्विसिंग करनी पड़ती है, लाइनर ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज लाइनर निकाल के दूसरा लाइनर चेंज कर दीजिए। और गियर बॉक्स को थोड़ा सा अंदर देखना पड़ता है कि गियर वगैरह ठीक है, अदरवाइज इसका मेंटेनेंस बिल्कुल ना के बराबर है। और सिलेंडर यानी एक्चुएटर को हमें चेक करना पड़ता है कि स्प्रिंग सही है, लाइनिंग जो लाइनर पड़ा होता है कहीं वो कट तो नहीं गया, क्योंकि अगर लाइनर कट जाएगा तो एयर लीक करेगी तो प्रॉपर खुल नहीं पाएगा, प्रेशर नहीं बन पाएगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, अदरवाइज इस कंट्रोल वॉल का जो हमारा मेंटेनेंस है बहुत ही क्लियर है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा, ऐसा कुछ खास नहीं होता है बटरफ्लाई वॉल में जो आपको टफ लगे समझने में। और ये बटरफ्लाई वॉल की खासियत ये होती है कि ये बहुत बड़े बड़े साइजेस में आता है। ये तो बहुत छोटा साइज है, 3 इंच का है, ये 10 इंच, 12 इंच, 15 इंच, 16 इंच तक का आता है। तो ये बहुत ही हाई एप्लीकेशंस में, बड़ी लाइन्स में यूज़ होने के लिए इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अगर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। थैंक यू।